बिस्मिल्लाह रहमान रहीम स्टूडेंट्स, दिस इज आवर लास्ट सेशन, सेशन नंबर 4 फ्रॉम द चैप्टर नंबर 12 एयर, पेज नंबर 111 टू 115. यूनिट नंबर 12 एयर. In this chapter, we have learned that air is all around us. Air is a matter because it occupies space and has mass. The layer of air surrounding the earth is called atmosphere. There are different types of gases in this air. For example, oxygen, carbon dioxide, and carbon dioxide, neon, xenon, etc. Air has a mass and air also occupies space. The air in the atmosphere pushes downward. Air is pressing on everything on the earth. Air is also all around us. Air is necessary for us to live. But where does it come from? Yes, it is the atmosphere. The earth is surrounded by a large layer of gases called the atmosphere. This is a mixture of gases and we call it air. Air, why it is important? Atmosphere is why important? Because it contains important gases, it controls the weather, it protects the earth from the harmful rays of the sun. इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एस्ट्रोनॉट जब ऊपर जाते हैं स्पेस में या आप हाइकिंग के लिए हाई माउंटेन पे जाएंगे तो हमारे साथ ऑक्सीजन सिलेंडर जरूर होता है. क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट गैस. ठीक है. एज कंपेयर द अर्थ टू द मून हैज नो एटमोसफियर, देर इज नो ऑक्सीजन गैस. ठीक है ना. Without a space suit, a person's lungs would explode because the air in their lungs would expand without resistance. ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि एयर हमारे ऊपर एक प्रेशर डालता है जिसको हम कहते हैं एयर प्रेशर. और अगर हम स्पेस पे हो और हमने सूट ना पहना हो स्पेस सूट, तो हमारे लंग्स के अंदर जितना प्रेशर है वो, चूंकि मून में कोई प्रेशर नहीं होगा, एयर प्रेशर नहीं होगा, तो हमारे लंग्स की वजह से हमारी बॉडी जो है पूरी एक्सप्लोड हो सकती है, फट सकती है. ठीक है. देयर आर द डिफरेंट लेयर इन द एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. ठीक है. ट्रोपोस्फेयर वो वाला स्फेयर या वो वाला लेयर है जहाँ पे हमारे जितने एरोप्लेन है, बर्ड्स हैं, वो यहाँ पे ट्रेवल करते. इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर है और यहाँ पे एक और लेयर होती है, दैट इज नोन एज द ओजोन लेयर. ओजोन लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ सन. देन वी हैव आल्सो स्टडी अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एयर. नाइट्रोजन अबाउट 78% प्रेजेंट है, जबकि ऑक्सीजन जो है 20 से लेकर 23% है. और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, दैट इज अबाउट सिर्फ 0.03% है. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्लांट मैन्युफैक्चर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन गैस मौजूद है जो हमें रेस्पिरेशन के लिए बहुत जरूरी है. इसके अलावा कोई भी चीज उस वक्त तक बर्न नहीं हो सकती जब तक ऑक्सीजन गैस मौजूद ना हो. नाइट्रोजन गैस जो है वो सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर है, लेकिन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको डायरेक्टली यूज नहीं करते, ना प्लांट ना ह्यूमन बीइंग, जब तक कि ये इसके कोई कंपाउंड ना हो. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, अमोनिया, यूरिया, इस फॉर्म में, फर्टिलाइजर के फॉर्म में सॉइल के अंदर जब ये नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, देन प्लांट जो है इसको एब्जॉर्ब करते हैं और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. व्हाट आर द यूजेस ऑफ एयर? वी हैव ऑल्सो लर्न यूजेस ऑफ एयर. और एयर की बहुत सारी यूजेस है और एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स. क्यों? क्योंकि अगर एयर ना हो, हवा नहीं चल रही है, तो हम सबसे पहले हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, हफ्स हो जाता है, हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है. ठीक है. इसके अलावा मूविंग एयर की तो एग्जाम्पल ही बहुत अच्छी है, बट स्क्वीज एयर या द कंप्रेस एयर जो है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में कंप्रेस एयर भी यूज करते हैं.
जी, ये डायग्राम मैंने आपको पिछले सेशन में भी दिखाया था। मैंने आपसे कहा था कि देर आर टू यूजेस ऑफ एयर, नंबर वन विंड जिसको हम कहते हैं मूविंग एयर, और नंबर टू हम कहते हैं कंप्रेस एयर। मूविंग एयर की हमने एग्जांपल देखी थी, सेलिंग बोट है, पतंग आप उड़ा रहे होते हैं, आपके ठंडी हवा में महसूस होती है, बड़े बड़े वेव्स जो होते हैं, वाटर के पत्ते हिल रहे होते हैं, तमाम चीजें जो है वो हमारी मूविंग एयर की वजह से। जबकि कंप्रेस एयर जो है वो ह्यूमन बीन यूज करते हैं इसको अपने फायदे के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए। हम एयर को इतने ज्यादा प्रेशर से इस्तेमाल करते हैं कि हमारी चीजें इस्तेमाल होती है। यहाँ पे हमने फुटबॉल की एग्जाम्पल और टायर के अंदर जो एयर होता है दैट इज अ example of compressed air. Now this is the example of the compressed air. This air is used to inflate the rubber tube and other object. This is possible because air can be squeezed into small space. आपको ये बात मालूम है कि एयर के अंदर या कोई भी गैस होती है उसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। जब आप इसको दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते चले जाएंगे। इस तरह के एयर को हम कहते हैं कंप्रेस एयर या स्क्वीज्ड, दबाव हुआ, प्रेशर में होता है। कंप्रेस एयर कैन सपोर्ट द बाइसाइकिल, योर कार एंड इवन एयरक्राफ्ट। यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे हम इस कंप्रेस एयर को इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी, जैसे मीथेन गैस है, आपके घर में जो चूल्हा जलता है वो मीथेन गैस एक नॉर्मल तरीके से वो आपके घर में आ रहा है, लेकिन अगर उसको सिलेंडर में हम बंद करते हैं तो सिलेंडर के अंदर हम इसको बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में बंद करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज द CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस। जी, यहाँ पे दो डायग्राम और बनी हुई है और ये आपके पास पेज नंबर कौन सा है, जी पेज नंबर 112 पे भी है। आप इसको स्क्रीन पे तो देख रहे हैं लेकिन अपने बुक पे ओपन कीजिए। यहाँ पे ड्रॉपर दिखाया है, ड्रॉपर से आप कोई चीज जो है वो स्लाइड के ऊपर डाल रहे हैं, तो ड्रॉपर या उसका ड्रॉपर का जो बल्ब है सिर्फ उसी वक्त काम कर सकता है जब वहां पे एयर जो है प्रेशर में मौजूद। ये जो ड्रॉपर के ऊपर जो बल्ब होता है जिसे हम दबाते हैं, प्रेस करते हैं, ये सिर्फ एयर प्रेशर पे वर्क करता है। एयर प्रेशर इज यूज्ड टू ड्रॉ अप लिक्विड इनटू अ ड्रॉपर ट्यूब। व्हेन यू प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर द एयर इन इट इज स्क्वीज्ड आउट। देयर इज अ फॉल इन द एयर प्रेशर इनसाइड द ट्यूब एंड द लिक्विड इज फोर्स्ड इन बाय द एयर आउटसाइड। इसके अलावा आप पेन में इंक भरते हैं, ठीक है, पेन के अंदर जब हम इंक भरते हैं उसको हम ऊपर खींचते हैं, बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर इंक जो है आपके पेन के अंदर भर जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल है, जी जल्दी सोच के बताइए और कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं आप। जी फुटबॉल की एग्जाम्पल मैंने बता दिया था, इंक आप पेन में भर रहे हैं, स्ट्रॉ से आप जब जूस पीते हैं तो भी आप एयर को सक करते हैं, जब आप प्रेशर डालते हैं तो वो आपका जूस जो है वो स्ट्रॉ के अंदर ऊपर आ जाता है। जी दिस इज अ यूज ऑफ ऑक्सीजन, जो यहाँ पे कंप्रेस एयर की एग्जाम्पल नहीं है, ये नॉर्मल ऑक्सीजन की एग्जाम्पल दी है। द ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प थिंग टू बर्न, ये तो एक नॉर्मल जैसे एयर फ्लो कर रहा है, हवा चल रही है तो ये आग जलना शुरू हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको समझा दूं, हमने पहले भी समझा था, अगर जैसे आप कोयला आपने जलाया और आप बारबेक्यू कर रहे हो, कोयले की आग जो बुझने लगती है तो हम उसको तलनी जल्दी पंखा झलते हैं, फैनिंग करते हैं, क्यों, ताकि ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन गैस उसको मिले और आग दोबारा से जलना शुरू हो जाए। ओके स्टूडेंट, पेज नंबर 113 आपके पास एक्सरसाइज है। नंबर वन, चूज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द लोअर लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर कॉल्ड, सबसे पहली लेयर कह दीजिए या आप इसको लोअर लेयर कह दीजिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द लोअर लेयर, यस ट्रोपोस्फीयर। ये वो वाला स्फीयर है जहां पे बर्ड्स और एरोप्लेन जो है वो फ्लाई करते हैं। नंबर टू, व्हाट डज द ओजोन लेयर डू, ओजोन लेयर क्या करता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। जी करेक्ट आंसर इज सी, इट प्रिवेंट सम ऑफ द हार्मफुल रेज ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। नंबर थ्री, विच गैस फॉर्म ओवर 75% ऑफ द एटमोसफियर, एटमोसफियर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है, जी नाइट्रोजन गैस। दिस इज अ करेक्ट आंसर एंड इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। यस एज यू गो अप हायर द एयर गेट, आप जितना आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते रहेंगे एयर क्या होगा, एयर थिन हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इज थिनर। नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सी बात है जो सही नहीं है, एयर हैज नो वेट, एयर कैन बी यूज एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एयर हैज मास, एयर कैन बी कंप्रेस्ड। जी सही आंसर इसका ए है, एयर हैज नो वेट,
ये बात गलत, क्योंकि ऊपर नॉट लिखा हुआ है ना, नॉट ट्रू लिखा हुआ, इसलिए हम ये एयर हैज नो वेट, क्योंकि एयर का वेट तो होता है. फिल इन द ब्लैंक्स. द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द ट्रोफोस्फीयर. ट्रोफोस्फीयर. नंबर टू, ऑक्सीजन यूज फॉर ब्रीदिंग एंड बर्निंग. ऑक्सीजन इज यूज फॉर ब्रीदिंग एंड बर्निंग. नंबर थ्री, प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर टू मेक फूड. नंबर थ्री में आप क्या लिखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. नंबर फोर, एयर हैज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस. स्पेस. नंबर फाइव, इट इज ह्यूमिड व्हेन देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर. मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगर तेज बारिश हो रही होगी तो आपका वाटर वेपर जो है एनवायरनमेंट में ज्यादा होता है, और जैसे आजकल बहुत ड्राई मौसम है, हमारी स्किन बिल्कुल ड्राई हो रही होती है, तो हम कहेंगे ह्यूमिडिटी बहुत कम है. और अगर पानी बहुत ज्यादा हो बारिश के बाद तो हम कहते हैं ह्यूमिडिटी ज्यादा है. तो किस चीज की प्रेजेंस हम देखते हैं? हम वाटर वेपर्स की प्रेजेंस देखते हैं. इट इज अ ह्यूमिड व्हेन देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर. क्वेश्चन नंबर सिक्स, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. नंबर सेवन, एयर दैट इज स्क्वीज्ड इन अ स्मॉल स्पेस इज कॉल्ड कंप्रेस्ड एयर. जब हवा को दबाकर छोटी सी जगह पे हम बंद कर देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? कंप्रेस्ड एयर. नंबर एट, व्हेन एयर इज वार्म या हॉट. आप दोनों लिख सकते हैं, वार्म या हॉट. इट राइजेस. जितनी हवा गर्म होगी ऊपर की तरफ उठेगी, और ठंडी हवा जो है वो नीचे की तरफ आती है, और इसी की वजह से रोटेशन ऑफ एयर होती है. ठीक है, जैसे आप एसी चलाते हैं तो ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है, और हमारे जिस्म की बॉडी की जमीन की जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ उठती है, फिर ये दोबारा ठंडी होती है, फिर नीचे आ जाती है. इसलिए हम एसी हमेशा ऊपर लगाते हैं. नंबर नाइन, नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर. नाइट्रोजन सबसे ज्यादा गैस है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. द ओजोन लेयर इज फाउंड इन द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर नोन एज द स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर. बेटा क्वेश्चन नंबर वन से लेकर आप क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, थ्री, फोर एंड फाइव आप अपने बुक में ही करेंगे. क्वेश्चन नंबर वन, टू, थ्री, फोर, फाइव आप बुक में करेंगे जो पेज नंबर 113 एंड 114 पे है. एंड क्वेश्चन नंबर सेवन के जितने पार्ट्स थे वो आपको कॉपी पे करना है. आगे हमारे दो सवाल और आएंगे जो क्वेश्चन नंबर सेवन के पार्ट होंगे वो आप कॉपी में करेंगे. मैच द परसेंटेज द करेक्ट आंसर. बहुत आसान है, सबसे कम जो है वो 0.03% है. वो क्या चीज होती है वो अभी हम आपसे पूछते हैं. पहले आप ये कीजिए, कॉलम पे 1, 2, 3 लिख लीजिए और राइट साइड पे आप ए बी सी लिख लीजिए. ठीक है, नंबर वन, 0.03% कौन सी गैस होती है? यस, कार्बन डाइऑक्साइड होती है. तो आप नंबर वन को ए से मैच कर दें. अबाउट 20 से लेकर 23% तक गैस कौन सी होती है? दैट इज द ऑक्सीजन. आप इसको नंबर टू को सी से मैच कर दें. नंबर टू को सी से मैच कर दें. एंड नंबर थ्री, अबाउट 77 to 78% जो है सबसे ज्यादा गैस कौन सी मौजूद होती है? दैट इज अ नाइट्रोजन. यस, तो आप नंबर थ्री को किससे मैच करेंगे? बी से मैच करेंगे. नंबर थ्री को बी से मैच करेंगे. मार्क दिस सेंटेंसेस विद राइट और रॉन्ग, या ट्रू एंड फॉल्स भी आप लिख सकते हैं. देयर इज मोर ऑक्सीजन इन द एयर देन एनी अदर गैस. रॉन्ग. सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन. नंबर टू, कंप्रेस्ड एयर इज अंडर ग्रेटर प्रेशर देन एयर इन द एटमोस्फेयर. यस, कंप्रेस्ड एयर उसको कहते हैं जो बहुत ज्यादा प्रेशर में मौजूद हो, जैसे आपके बॉल के अंदर या आपके टायर के अंदर, गाड़ी का टायर हो या साइकिल का टायर हो, उसके अंदर एयर जो है बहुत ज्यादा प्रेशर में मौजूद होता है. नंबर थ्री, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज बाय प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस. यस, इट इज अ करेक्ट आंसर. नंबर फोर, एयर इज टू लाइट टू हैव वेट. नो, क्रॉस कर दीजिए, बहुत हल्का नहीं है, इसका वेट मौजूद होता है. नंबर फाइव, द ट्रोफोस्फेयर इज द लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर फार्दस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. नो, इट इज रॉन्ग. सबसे क्लोज जो है उसको हम ट्रोफोस्फेयर कहते हैं. सबसे आखिर में जो है हमारे पास एक्सोस्फेयर होता है. ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? क्रॉस कर दीजिए, रॉन्ग आंसर.
क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में उन्होंने आपको जो अल्फाज वर्ड्स दिए हैं उसको हमें अरेंज करना है, ठीक है। नंबर वन है फ्रॉम द क्लोजेस्ट टू द अर्थ, सबसे करीब कौन सा, सबसे आखिर में कौन सा है। तो करेक्ट आंसर मैंने नीचे जो है वो आपको नजर आ रहा होगा, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है एंड एक्सोस्फेयर है। आप चाहे तो आप इसको 1, 2, 3, 4 लिख लीजिए अपनी कॉपी पे, या आप इसको आगे आपकी बुक में जो जगह है वहां पे शॉर्ट करके लिख लीजिए। नंबर वन पे ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर। आप 1, 2, 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे स्ट्रेटोस्फेयर जो है उसके ऊपर नंबर 2 लिख दीजिए, थर्मोस्फेयर के ऊपर नंबर 4 लिख दीजिए, मीजो के ऊपर जो है नंबर 3 लिख दे, ट्रोफी के ऊपर 1 लिख दे एंड एक्सो के ऊपर 5 लिख दीजिए। फ्रॉम द क्लोजेस्ट टू द अर्थ टू द फार्थेस्ट, सबसे करीब कौन सी चीज है और सबसे दूर कौन सी चीज है। यस, क्लाउड जो है, रेन क्लाउड जो है सबसे करीब है, ठीक है। उसके बाद जेट प्लेन होते हैं, फिर वेदर बलून, फिर मेट्रोस एंड शटल, ठीक है। नंबर 3, मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर टू द लीस्ट, सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में क्या चीज मौजूद है और सबसे कम क्या चीज है। तो सबसे ज्यादा हमारे पास नाइट्रोजन है, नंबर 1 नाइट्रोजन, नंबर 2 ऑक्सीजन, नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड एंड नंबर 4 ज़ीनॉन। आप 1, 2, 3 भी लिख सकते हैं और आगे जगह इतना स्पेस है कि आप वहां पर इसको करेक्ट ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। फ्रॉम लोएस्ट टू द हाइस्ट, टेम्परेचर में बताना है सबसे कम कौन सा टेम्परेचर है। तो 0 डिग्री से सबसे कम जो है वो माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। 0 डिग्री के नीचे अगर हम देखें तो माइनस वाले टेम्परेचर होते हैं और 0 से ऊपर जो है वो प्लस होते हैं। तो सबसे कम हमारे पास इस वक्त -32 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसके बाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, फिर 0.05 डिग्री है, देन 22 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इन द लास्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आप बुक में ही सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 6, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 6 आप कॉपी में करेंगे। व्हाट आर द सम ऑफ द यूजेस ऑफ कंप्रेस एयर, बहुत आसान है। आप इन्फ्लेट करते हैं रबर ट्यूब्स इनसाइड द टायर, अपनी गाड़ी के अंदर जो टायर है उसको उसके अंदर जो रबर ट्यूब है उसको फिल करते हैं। नंबर 2 फिल बलून्स करते हैं, 2 पावर सम टूल्स, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके अंदर हम कंप्रेस एयर भर देते हैं। इसके अलावा यूज इन ब्रेक ऑफ सम काइंड ऑफ व्हीकल, छोटे जहाज जो होते हैं और कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर ब्रेक लगाते वक्त हम कंप्रेस एयर को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, पेज नंबर 115 पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। व्हाई इज द एयर इमीडिएटली अराउंड द अर्थ मोर कंप्रेस देन द एयर दैट इज फर्दर अप इन द एटमॉस्फेयर, यानी वो वाली हवा जो आपके अर्थ के बिल्कुल करीब है वो बहुत कंप्रेस होती है। ये बात हमने शुरू में डिस्कस किया था ना कि हवा का प्रेशर होता है, जो चीज नीचे होगी उसके पास ज्यादा प्रेशर होगा, जो चीज ऊपर होगी उसके पास प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर आप क्या लिखेंगे, द एयर इमीडिएटली अराउंड द अर्थ इज मोर कंप्रेस्ड देन द एयर दैट इज फर्दर अप इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज एयर हैज वेट, द एयर अबव इज पुशिंग ऑन और द कंप्रेसिंग द एयर बिलो इट। जो चीज अगर आपके पास 3-4 आपने कोई चीज रखी हुई है, पेंसिल बॉक्स रखा हुआ है, कॉपीज रखी हुई, तो सबसे नीचे वाली कॉपी के ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे इन्होंने डिस्कस की। स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन, सेशन नंबर 4 फ्रॉम द चैप्टर नंबर एयर चैप्टर, और एयर का चैप्टर नंबर है 12। इसके बाद हम वर्कशीट इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, लेकिन आपके लिए मुझे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज 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 रोजाना पढ़ने की आदत डालिए। मैं सिर्फ साइंस की बात नहीं कर रही हूँ, ऑल सब्जेक्ट आप प्लीज डेली पढ़ा कीजिए, क्वेश्चंस याद करना शुरू कीजिए, ठीक है। अभी तो आपके मंथली टेस्ट हो रहे हैं, इसके बाद आपके इंशाल्लाह एग्जाम भी होंगे, तो आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है, जब आप क्लास में आएंगे, स्कूल आते हैं, तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।